हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 11th of July के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 10th of July की बात करें तो 10th of July को दो इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं। एक है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मतलब कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस होना है, कि हमें जो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी उन पे डिपेंडेंट होना है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। तो एनर्जी के हमें ऐसे सोर्सेस ढूंढने हैं जो कि रिन्यूएबल हो, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। फिर सेकेंड आता है 10th of July को नेशनल फिश फार्मर्स डे। नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर एंड कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर हरिलाल चौधरी। जो डॉक्टर हरिलाल चौधरी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिश सेक्टर में, एक्वा कल्चर में, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 10th of July 1957 को ये हमारे जो फिशरी सेक्टर था उसमें एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे, राइट? कि इसमें इनलैंड एक्वा कल्चर के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। तो इसी से रिलेटेड अभी एक मीटिंग भी होने जा रही है, फिशरीज समर मीट 2024। कौन सी है? फिशरीज समर मीट 2024 कहाँ पे हो रही है? तमिलनाडु के अंदर हो रही है, ये मदुराई में, तमिलनाडु में मदुराई में हो रही है 12th of July को, यानी कि कल को होगी फिशरीज समर मीट 2024। तो ये जो है करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और डे भी इम्पॉर्टेंट है। कब आता है फिश फार्मर्स डे? 10th of July को आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अश्वगंधा हैज बीन बैंड बाय विच कंट्री। अश्वगंधा कौन सी कंट्री ने बैन किया है रिसेंटली? तो अश्वगंधा बैन किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क ने अश्वगंधा को बैन कर दिया है, क्योंकि जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, डेनमार्क की जो यूनिवर्सिटी है, डेनमार्क टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अश्वगंधा है उसके कुछ सेफ्टी कंसर्न्स है, जिनको देखते हुए उन्होंने डेनमार्क के अंदर अश्वगंधा को बैन कर दिया है। लेकिन अब जो हमारे साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, हमारा मानना है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो किसी साइंटिफिक रिगर उसमें कुछ है नहीं है, कोई उन्होंने साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया है, तो जिसके चलते हुए उनकी जो रिपोर्ट है वो गलत है। अश्वगंधा जो है हमारा जो आयुर्वेदा में है, अश्वगंधा आयुर्वेदिक है, तो इसमें कोई भी जो है बुराई नहीं है इसमें। तो जो अश्वगंधा उन्होंने बैन किया है उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं उन्होंने दिया कि क्यों बैन किया है, जस्ट उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ कुछ सेफ्टी कंसर्न्स है जिनके चलते हुए हम अश्वगंधा को अपनी कंट्री में बैन कर रहे हैं। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम क्या है? विधानिया सोमनीफेरा। साइंटिफिक नेम है विधानिया सोमनीफेरा। अब न्यूज़ में है तो साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, क्योंकि साइंस सेक्शन में कई बार ऐसे नाम जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो भी उन्हीं के पूछे जाते हैं जो रिसेंटली कोई न्यूज़ में रहती है, कोई स्पीसीज है या कोई मेडिसिन है जो न्यूज़ में है, उसी के साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डे, वेयर इज विजिंजम पोर्ट? विजिंजम पोर्ट ये कहाँ पे है? रिसेंटली बनाया गया है PPP मोड के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको बनाया गया है, अडानी ने बनाया है इसको। तो कहाँ पे है ये? ये है केरला के अंदर है, विजिंजम पोर्ट, राइट? तो किसने बनाया है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अडानी ग्रुप ने इसको बनाया है। अब रिसेंटली जो विजिंजम इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सी पोर्ट है। विजिंजम क्या है? एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है, केरला में कहाँ पे है? तिरुवंतपुरम के अंदर है। और 12 जुलाई को यानी कि कल यहाँ पे पहली मदरशिप आ रही है, राइट? 12th of July को यहाँ पे फर्स्ट मदरशिप आ रही है। तो अभी रिसेंटली करंट में है विजिंजम पोर्ट, अभी रिसेंटली बना है, इंटरनेशनल सी पोर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट मदरशिप रिसीव हो रही है। कब हो रही है? 12th of July को हो रही है। तो ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट?
फर्स्ट मदरशिप मतलब बहुत बड़ा जो शिप, एक होते हैं छोटे छोटे शिप्स, एक होते हैं बड़े शिप्स। बड़े शिप्स को आने के लिए वहाँ पे जो डेप्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे नेचुरली ये डीप है। यहाँ पे जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो है 18 मीटर का है, तो नेचुरली ये 18 मीटर यहाँ पे डीप है, तो नेचुरली ड्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसके चलते हुए बड़े बड़े शिप्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? अब देखो, ये एक मेजर जो है लोकेशन है जहाँ पे ये बनाया गया है, इंटरनेशनल सी रूट है यहाँ पे, जहाँ पे हमने विजेंजम पोर्ट बनाया है, तो ये एक मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, जो कि यूरोप को यहाँ पे, ये यूरोप पर्शियन गल्फ हो गया, इसको आगे ये ईस्ट की तरफ यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा है। तो अब होता क्या है, यूजली क्या होता है कि जो सी पोर्ट्स होते हैं उनकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती, जिसके चलते हुए क्या होता है कि जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो पोर्ट पे तो आ नहीं पाते, तो उनको 10-12 मीटर या नॉटिकल माइल्स जो है, किलोमीटर या नॉटिकल माइल्स और किलोमीटर्स दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेम नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो शिपमेंट हमने देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने शिप्स भेजकर उसको जो बड़ा शिप होता है वहाँ पे हम उसको लोड करवाते हैं, तो जिसमें हमारा खर्चा भी आता है कि हम पहले लेबर का खर्चा भी आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम पहले छोटे जो शिप है उस पर हम उसको लोड करते हैं, उसके बाद जाने आने का खर्चा 10 नॉटिकल माइल्स तक वो जाएगा, मदर शिप पे लोड करेगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ पे टाइम और मनी दोनों वेस्ट होते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो विजेंजम पोर्ट है, राइट। इंडिया का यहाँ पे जो विजेंजम पोर्ट है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ड्राफ्ट जो है वो 18 मीटर का है, क्योंकि बड़े शिप्स हैं, लोड ज़्यादा होता है, तो नीचे भी पानी का जो है जो डेप्थ है नीचे वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो विजेंजम पोर्ट जो है यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आ सकते हैं। तो पहली जो शिपमेंट है वो कब आएगी? वो आ रही है 12 जुलाई को आ रही है, पहली शिपमेंट 12 जुलाई को आ रही है। तो इसके बाद फिर बाकी की जो है इंटरनेशनल शिप्स जो है वो यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे फ्यूचर में, राइट। जो बड़े कंटेनर शिप्स है, लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स जो है, उसके बाद वो भी आने शुरू हो जाएंगे जल्द ही। नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसको कौन मैनेज करता है? तो इसको मैनेज करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? अब जो हम बिल वगैरह पे करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, तो ये जो बिल पेमेंट होती है ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही बिल पेमेंट करी जाती है। अगर हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी हम बिल अपना पे कर रहे हैं, तो अब ये 1 जुलाई से RBI ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो बिल पेमेंट होगी, अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो भी वो जो बिल पेमेंट है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही होनी चाहिए। अभी तक 1 जुलाई तक 12 बैंक्स ऐसी थी जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूज़ करती थी, अब बाकी की बैंक्स के लिए भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ रजिस्टर करना है, क्योंकि अब कोई भी अगर हम बिल पेमेंट कर रहे हैं तो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही ये बिल पेमेंट करी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है मित्रवन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एक और स्कीम जिसका नाम था वन मित्र, उसका नाम था वन मित्र और ये है मित्र वन, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। जो वन मित्र स्कीम थी ये कौन सी स्टेट की थी? ये थी हरियाणा की। कौन सी स्टेट की थी? हरियाणा की स्कीम थी कि सैपलिंग्स लगानी है, उससे रिलेटेड ये स्कीम थी। लेकिन जो मित्र वन स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, राइट। मित्र वन उत्तर प्रदेश की स्कीम है और वन मित्र ये हरियाणा स्टेट की स्कीम है, तो दोनों को याद रखना है, क्योंकि जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। अब जैसे हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था 1 जुलाई से 3 नए लॉज आए हैं, कुछ पुराने लॉज को जो कॉलोनियल इरा से चलते आ रहे थे उनको रिप्लेस करके नए लॉज लाए गए हैं, तो सेम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी टेलीकम्युनिकेशन एक एक्ट लाया गया है जो 2023 का एक्ट है। तो ये भी कुछ पुराने जो एक्ट्स थे कॉलोनियल इरा से चलते आ रहे थे उनको रिप्लेस करके ये नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लाया गया है, क्योंकि अब हमने देखा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है, तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसीलिए अब नए हमें लॉज एक्ट्स लाने की ज़रूरत है।
तो इससे रिलेटेड देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट है पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन नवंबर 2023. पार्लियामेंट में ये जो एक्ट था ये पास हो गया था, जो इससे रिलेटेड बिल आया था पार्लियामेंट में, वो बिल पास कब हुआ था? वो पास हुआ था दिसंबर 2023 के अंदर. दिसंबर 2023 में बिल पास हुआ था, नवंबर में नहीं हुआ था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकेंड है इट रिप्लेस द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 को ये रिप्लेस नहीं कर रहा. ये कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को ये रिप्लेस कर रहा है. 1885 का है, 1985 का नहीं है. 1885 का है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जिसको ये रिप्लेस कर रहा है. कॉलोनियल इरा का है. थर्ड है गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ समावेश इंक्लूजन सुरक्षा. इसके प्रिंसिपल्स क्या है? समावेश सुरक्षा एक्स्ट्रा, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं जो हम सारे अभी थोड़ी देर में देखेंगे. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है तीनों में से? तो करेक्ट स्टेटमेंट है सी, राइट. अब देखते हैं एक्ट के बारे में. इसका एम क्या है? एम है कि जो पुराने लॉ है उनको अमेंड करना है. अमेंड करके, क्योंकि अब जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक्सपेंशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको उसके साथ कॉप अप करने के लिए हमें जो पुराने लॉज हैं उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, राइट. तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक है समावेश इंक्लूजन, के पूरे सेक्टर को इंक्लूड करना है. सुरक्षा सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है. वृद्धि ग्रोथ, ग्रोथ कंट्री की ग्रोथ भी होनी चाहिए. त्वरित रिस्पॉन्सिवनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिवनेस को निभाना है इन्होंने. तो ये इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है. और इंडिया का जो मेन विजन है, इसका मेन एम है, वो क्या है कि विकसित भारत बनाना, डेवलप्ड इंडिया बनाना, राइट. ये जो नए एक्ट्स आए हैं, तो टेली कम्युनिकेशन एक्ट जो आया है 2023 का, ये किसको रिपील कर रहा है? जो पुराने लॉज जिनको रिपील कर रहा है. तो कौन कौन से लॉज है? एक है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933. तो इसको ये रिप्लेस करेगा. और नया लॉ कौन सा आ रहा है? टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 नया लॉ आया है. इन दोनों को रिप्लेस करके लाया गया है, सो दैट कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में हम टेक्निकल एडवांसमेंट ला पाए, राइट. नेक्स्ट है वेयर इज समयपुरम टेम्पल. समयपुरम टेम्पल कहाँ पे है? समयपुरम टेम्पल तमिलनाडु के अंदर है. कौन सी स्टेट में पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है समयपुरम टेम्पल. अब ये जो समयपुरम टेम्पल है, इससे इस पे एक कॉफी टेबल बुक रिलीज हुई है. कौन सी बुक रिलीज हुई है? कॉफी टेबल बुक. कॉफी टेबल बुक का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बुक रिलीज करी गई है, राइट. कॉफी टेबल साइज की एक बड़ी बुक रिलीज करी गई है समयपुरम मरियमन टेम्पल से रिलेटेड. बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है समयपुरम द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति. अब देखो जो बुक का नाम है इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है. बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, समयपुरम द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति. किसकी बुक है? ऑथर कौन है बुक के? दो ऑथर हैं, एक है वृंदा रामनन और दूसरे हैं जे रामनन. वृंदा रामनन एंड जे रामनन, तो ऑथर के नाम भी इम्पॉर्टेंट है. बुक का नाम, ऑथर का नाम. और कौन से टेम्पल पे बेस्ड है? ये समयपुरम टेम्पल पे है. और समयपुरम टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु पे के अंदर है. अब कौन से जो भगवान है, गॉड है, उसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है गॉडेस मरियमन. गॉडेस मरियमन को ये डेडिकेटेड है जो टेम्पल है, राइट. नेक्स्ट है हु प्रिपेयर्स पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये कौन प्रिपेयर करता है? पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये प्रिपेयर किया जाता है बाय द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी. कौन प्रिपेयर करता है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी. पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है क्या? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है. किसका रिकॉर्ड है? ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग जो आस्पेक्ट्स होते हैं उनका इसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है. जो भी फ्लोरा है, फौना है. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो लिविंग डाइवर्सिटी, उसमें फ्लोरा फौना दोनों आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में. तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है जिसको बोलते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. तो इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट्स, फ्लोरा फौना के जो हैबिटेट्स है उनको कंजर्व करना है. लैंड रेसेस, डोमेस्टिकेटेड स्टॉक्स, ब्रीड ऑफ एनिमल्स,
को प्रिजर्व करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करना है, एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन एरिया. तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फौना है, तो उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठी करना, हमें पता होना चाहिए जो प्लांट स्पीसीज है या एनिमल स्पीसीज है, तो उससे रिलेटेड पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. कौन सी फैमिली से है, कौन सी जीनस से है, कहाँ पर ये रहती है, तो ये पूरी की पूरी उससे रिलेटेड नॉलेज को इकट्ठी करना, राइट. नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना. फौना की फुल लिस्ट बनाने वाली, राइट. फौना कौन सी हो गया, जो एनिमल प्रजाति होती है, तो उससे उसकी जो पूरी लिस्ट बनाने वाली पहली कंट्री कौन सी बन चुकी है, तो पहली कंट्री है इंडिया. इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने अपने फौना की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने चेकलिस्ट तैयार करी है फौना की, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल कितनी स्पीसीज है, तो इन्होंने कवर की है कितनी स्पीसीज, 104,561 स्पीसीज को इन्होंने कवर किया है जो फौना की चेकलिस्ट इन्होंने बनाई है. और ये जो चेकलिस्ट बनाई गई है ये कोलकाता के अंदर बनाई गई है. कोलकाता में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका 109th फाउंडेशन डे था, तो उस जो फाउंडेशन डे था उसी दिन ये चेकलिस्ट जो है बनाई गई है. और साथ ही साथ पोर्टल तैयार किया गया है. पोर्टल का नाम क्या है, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल. एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, पोर्टल का नाम है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल. पोर्टल का नाम याद रखना है, कितनी स्पीसीज है इसको भी एक बार ध्यान में रख लेना, 104,561 स्पीसीज है. और पोर्टल लॉन्च किया गया है कहाँ पे, कोलकाता के अंदर. कब तैयार किया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो 109th फाउंडेशन डे था. पोर्टल का नाम है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, राइट. नेक्स्ट है रेशल रीव्स. रेशल रीव्स ये पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की. अब देखो जो फर्स्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की. ये पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है रेशल रीव्स. नेक्स्ट है विनेश फोगट विंस गोल्ड मेडल इन ग्रैंड प्री ऑफ स्पेन इन विच कैटेगरी. विनेश फोगट इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ग्रैंड प्री जो स्पेन का हुआ था, कौन सी कैटेगरी के अंदर ये गोल्ड मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 55 केजी में. कितने में जीता है, 55 केजी में. ये केजी आएगा यहाँ पे, तो 55 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. नेक्स्ट है वेयर इज द वेन्यू ऑफ फाइनल 133rd दुरंत कप. 133rd एडिशन का दुरंत कप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के अंदर ही हो रहा है. दुरंत कप जो है ये कौन सी गेम से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है. तो कहाँ पे, इंडिया के अंदर इसके चार वेन्यूज हैं, जमशेदपुर, शिलोंग, कोकराझार एंड कोलकाता. इन चार जगह पे ये दुरंत कप जो है वो करवाया जाएगा. तो जो फाइनल इसका जो गेम होएगी, फाइनल गेम कहाँ पे होएगी, तो फाइनल जो वेन्यू है वो है कोलकाता. फाइनल वेन्यू कौन सा है इसका, कोलकाता. नेक्स्ट है हु विंस ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2021. फॉर्मूला वन रेसिंग जो होती है तो उसमें जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री है वो किसने जीता है, तो मोस्टली जो ग्रैंड प्री है वो किसने जीते हैं, मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं. लेकिन कुछ ग्रैंड प्री ऐसे हैं जो किसी दूसरे जो है प्लेयर्स जो भी होते हैं फॉर्मूला वन के जो ड्राइवर्स होते हैं किसी दूसरे ने जीते हैं. तो अब देखो जो मैक्स वर्स्टैपन वाले हैं वो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बाकी के हैं उसको याद कर लो, अपने आप जो है आंसर आपको पता चल जाएगा. ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024 जीता है लुइस हैमिल्टन ने. ब्रिटिश किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है. मोनैको ग्रैंड प्री, आप बाकी के ग्रैंड प्री को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अभी थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री भी हुआ था, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जीता है जॉर्ज रसल ने. मोनैको ग्रैंड प्री चार्ल्स लैक्रिक ने जीता था. मोनैको ग्रैंड प्री किसने जीता था, चार्ल्स लैक्रिक ने. मियामी ग्रैंड प्री लैंडो नॉरिस ने जीता था. ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री ये कार्लोस सेंस ने जीता था. और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री ये जॉर्ज रसल ने. ये ऑस्ट्रियन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, राइट. ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, जॉर्ज रसल ने. और ब्रिटिश ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीता है, राइट. नेक्स्ट है एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप. अब जो एक बिलियर्ड्स की गेम होती है, एक स्नूकर की गेम होती है,
दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही टेबल पे खेली जाती है, राइट। तो टेबल होता है उसी पे ये दोनों गेम्स जीती जाती है, टेबल के ऊपर बॉल्स होती है तो उससे ये गेम जो है खेली जाती है, जितनी खेली जाती है। तो अब डिफरेंस क्या है बिलियर्ड्स एंड स्नूकर में, एक तो टेबल के डायमेंशंस दोनों में अलग अलग होते हैं, दूसरा क्या है बिलियर्ड्स और स्नूकर, जो बिलियर्ड्स है एंड स्नूकर है दोनों में जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो अलग अलग होती है। जो बिलियर्ड गेम खेली जाती है ये 3 बॉल्स के साथ खेली जाती है, बिलियर्ड गेम्स में 3 बॉल्स होती हैं, और जो स्नूकर गेम्स होती है इसमें टोटल 22 बॉल्स होती है, 22 बॉल्स के साथ ये खेली जाती है स्नूकर गेम, राइट। तो रिसेंटली इसका जो चैम्पियनशिप हुई है एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैम्पियनशिप की, तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है, इसका वेन्यू क्या था, इसका वेन्यू था सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में कहाँ पे, रियाद में हुई है, सऊदी अरेबिया रियाद में ये चैम्पियनशिप हुई है। किसने जीती है, इंडिया के ध्रुव सितवाला है, ध्रुव सितवाला ने जीती है, किसको हराया है, पंकज अडवाणी को। और वुमेन कैटेगरी में अनुपम रामचंद्रन ने जीती है स्नूकर चैम्पियनशिप, किसको हराया है, इन्होंने हराया है पंचाया चनोई को, पंचाया चनोई को इन्होंने हराया है, राइट। नेक्स्ट है एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024, एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी मलेशिया के अंदर। तो इसमें अब देख लेते हैं कौन जीता है, मलेशिया में कहाँ पे, मलेशिया में जौहर में हुई थी एरिना इमास के अंदर, राइट। तो इसमें अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार जीते हैं, कौन जीते हैं, अभय सिंह एंड वेलावन सेंथिल कुमार, इन्होंने मेंस डबल क्राउन में जो है वो जीत कर लाए हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।